नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। देखिए, आज मैं एक बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ। जो लोग नए नए कंप्यूटर चलाने सीखे हैं उनके लिए शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, जैसे आप ये स्टार देख रहे हैं, ये फूल देख रहे हैं, ये इस प्रकार की डिजाइन देख रहे हैं, ये सीसी देख रहे हैं, ये एक और फूल देख रहे हैं, या फिर आप ऊपर कुछ हिंदी में ओम देख रहे हैं, ये अलग स्टाइल का देर देख रहे हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो कैसे लिखते हैं, जो पुराने लोग वो जानते हैं, लेकिन जो नए नए हैं कंप्यूटर फील्ड में, आपने ऐसे बहुत सारे शब्द देखे होंगे, तो इनको कैसे टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। देखिए, आप विंडो XP 7 या 10 कोई भी यूज़ करते हो, सब में ये सेम ही है। आपको जो सर्च बॉक्स है वहाँ पर आपको टाइप करना है ये कैरेक्टर मैप, ठीक है। कैरेक्टर मैप के द्वारा हम ऐसे सब लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप हिंदी कर लेंगे ना, ऐसे हिंदी, जैसे कि आपके जो भी आपके कंप्यूटर फॉन्ट इंस्टॉल है ये उसके अनुसार काम करेगा। जैसे अगर आप यहाँ हिंदी फॉन्ट है, जैसे कि मेरे क्रांति देव है, तो आप क्रांति देव पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पे क्रांति देव कुछ अलग स्टाइल आ गई। जैसे फूल है, मैंने फूल यहाँ से लिया है, तो इसको सेलेक्ट करके फिर कॉपी क्लिक करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और आपके मोबाइल में या फिर कहीं पे इस सबको डाल सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आप ओम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे आप फॉन्ट इंस्टॉल करेंगे, जैसे यहाँ पर आएंगे। उसी प्रकार आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जैसे इंग्लिश की बहुत सारी लैंग्वेज है, तो आप देख रही ए है, ये आर है, इस प्रकार बहुत ही अलग अलग डिजाइन के शब्द मिलेंगे आपको। देखो, हिंदी के भी बहुत अलग अलग शब्द मिलेंगे आपको, जो सब आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलेंगे ना, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे अगर आपको कोई ऐसा सब चाहिए जो आपको कीबोर्ड पे नहीं मिल रहा है और आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप यहाँ आकर ढूंढ सकते हैं, जो नए नए कंप्यूटर चलाने सीख रहे हैं, या अगर आपको कोई भी सब चाहिए। अगर आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और एक बार इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके से ट्राई कीजिए। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको कुछ नॉलेज इंक्रीज होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।